हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आएगा। हालांकि कंपैरिजन नहीं है, अपग्रेडेशन के बारे में बताता चाहूंगा। यहाँ पे पहला जो फोन है मोटोरोला का मोटो J64 5G जो फिलहाल अभी इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और दूसरी तरफ हमारा उसी का यानी कि पुराना वाला वर्जन G54 5G। हालांकि G54 5G अभी भी फिलहाल आपको यहाँ पे सेलिंग में देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे उसके मुकाबले कौन से अपग्रेड यहाँ पे G64 5G में देखने को मिल जाते हैं इसी के बारे में बताना चाहूंगा। और यहाँ पे जो प्राइस है वो तो सेम ही है, तो अगर वो भी सेम प्राइस में आपको कौन सा फोन लेना चाहिए इसी को बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहां पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहले ये दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले यानी कि कौन से अपग्रेड है। यहां पे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, यानी कि G54 5G में जो डिस्प्ले देखने को मिलती थी वैसा ही सेम डिस्प्ले है। 6.5 इंच की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ IPS LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ 560 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। और फ्रंट में यहाँ पे आपको एक अपग्रेड है। यहाँ पे मोटो G54 था उसमें आपको पैंडा प्रोटेक्शन देखने को मिलता था, लेकिन वहीं पे G64 5G में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। यानी कि ये एक अपग्रेड किया गया है। बाकी डिस्प्ले वाइज और यहाँ पे डिजाइन वाइज देखने जाए तो कोई भी चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता एज अ कंपेयर टू G54 5G और G64 5G। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा चेंज है, डिस्प्ले तो वही सेम टू सेम है। हाँ, यहाँ पे कलर वेरिएंट यहाँ पे एक और अलग से ऐड हो चुका है जो है आइस लिलेक, वो अलग से कलर है। बाकी डिजाइन वाइज देखने जाए और डिस्प्ले वाइज देखने जाए तो दोनों फोन बराबर से है, और फर्क यहाँ पे प्रोटेक्शन में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो देखिए यहाँ पे स्लाइटली चेंज किया गया है। यहाँ पे आपको बता दूंगा जो G64 5G उसमें आपको MediaTek का Dimensity का 7025 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन होगा जो इस प्रोसेसर के साथ ये फोन देखने को मिलता है। 6nm पे काम करता है, ऑक्टोकोर पॉड है, 2.5 GHz पे क्लॉक्ड है। लेकिन यहाँ पे G54 5G यानी कि पुराने वाले वर्जन में देखें तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। Dimensity का पुराना वाला वर्जन 7020 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। ये भी 6nm पे काम करता है, ऑक्टोकोर पॉड है, 2.2 GHz पे क्लॉक्ड है। लेकिन जो GPU है वो तो सेम ही है, IMG का BXM8 वाला जो आपको मिलता है वैसा ही सेम GPU है जो आपको G64 5G में देखने को मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे प्रोसेसर में भी वैसा ही सेम किया गया, जो G64 और G54 में जो आपको चेंज देखने को मिलता है वैसा ही है। यहाँ पे स्लाइटली फर्क है जो है CPU में फर्क दिया गया है, और यहाँ पे जो ISP है उसमें आपको चेंज देखने को मिल जाता है। जैसे कि 100 मेगापिक्सल का आपको सपोर्ट देखने को मिलता था G54 5G में, वहीं पे आपको G64 5G में आपको जो 7025 उसमें आपको 200 मेगापिक्सल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये एक फर्क है, और यहाँ पे CPU में फर्क देखने को मिल जाता है। जो 2.2 GHz पे यहाँ पे 7020 देखने को मिलता था, वहीं पे 7025 में आपको 2.5 GHz क्लॉक हो चुका है। यानी कि प्रोसेसर थोड़ा बहुत अपग्रेड किया गया G64 5G में। तो अगर आप प्रोसेसर के हिसाब से अगर फोन लेना चाहते हो वही सेम प्राइस में तो G64 5G आप ले सकते हो। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, बताएंगे यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है, दोनों में सेम आपको देखने को मिल जाते हैं। 8GB की रैम है, 128GB की स्टोरेज, और यहाँ पे 12GB की रैम, 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें LPDDR4X रैम का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज आपको 1TB तक देखने को मिल जाएगी, वो भी हाइब्रिड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोनों में आपको रैम और स्टोरेज वेरिएंट में कोई भी चेंज नहीं है। हालांकि यहाँ पे 3.1 देते UFS स्टोरेज में तो बहुत ही कमाल का रहता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, बताएंगे यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। दोनों में G64 और G54 5G दोनों में आपको 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है F1.8 एपर्चर के साथ में, जिसमें OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे सिंगल LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। 4K नहीं देख रहे, यहाँ पर 1080p तक की 13 और 16 FPS रिकॉर्डिंग कर पाएंगे EIS और OIS सपोर्ट के साथ में। तो अगर यहाँ पे G64 5G में 4K का सपोर्ट देते तो बहुत ही कमाल का रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसा ही सेम जो G54 5G में देखने को मिलता था कैमरा, वैसा ही सेम कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे दोनों में सेम वही है। 16 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है F2.45 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 1080p तक की 13 FPS रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो सेल्फी कैमरा में भी कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है सॉफ्टवेयर वाइज वो थोड़ा स्लाइटली बेटर हो सकता है, बाकी यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता एज अ सेल्फी कैमरा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बताओ दोनों में आपको सेम वही बैटरी है। 6000mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 14 देखने को मिलता है G64 5G में, लेकिन G54 5G में एंड्रॉइड 13 देखने को मिला था। हालांकि यहाँ पे अपग्रेड आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, जो सॉफ्टवेयर है वो तो दोनों में जो स्टॉक एंड्रॉइड है, लेकिन अब जाके मोटो
मोटोरोला का मोटो जी 64 5G में माई यूएक्स वाला एक आपको यूआई देखने को मिल जाता है, जो स्टॉक के अलग यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे यूज किया गया है नेम, बाकी स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस ही देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो बैटरी और सॉफ्टवेयर कैपेसिटी दोनों में बराबर सी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बताने को यहाँ पे दोनों में सेम कनेक्टिविटी सेंसर है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। नॉर्मल सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं दोनों ही फोन में आपको। साइड माउंटेड फिंगर सेंसर का सपोर्ट, टाइप सी का पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, हाइब्रिड स्लॉट का सपोर्ट, ब्लूटूथ का 5.3 और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट दोनों ही फोन में देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में कोई भी चेंजेस नहीं, वही जो G54 5G में देखने को मिला था वैसा ही सेम G64 5G में देखने को मिल जाता है। लेकिन बात करते हैं अभी दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, बताएंगे मोटोरोला के मोटो G64 5G में आपको तीन अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो यहाँ पे हटा दिया है, यहाँ पे उसी की जगह यहाँ पे पर्पल कलर वाला एक एडिशन देखने को मिल जाता है। लेकिन प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 15,000 की प्राइस देखने को मिल जाती है बेस वेरियंट, और दूसरा जो 12GB वाला वेरियंट है वो आपको 17,000 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो सेलिंग है वो 23rd of April को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां देखकर परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे G54 5G की बात करूँ तो यहाँ पे भी तीन अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लैक कलर तो ऑब्वियसली है ही है, पुराना वाला फोन है इसलिए, और यहाँ पे प्राइस वही सेम है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, और इसकी भी सेलिंग आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां देखकर परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करूँ तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो अगर आपको अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रहे थे G54 लिया हो तो कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वही सेम फोन आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे G64 5G में एक आपको जो प्रोसेसर है उसमें चेंज है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, और यहाँ पे जो डिस्प्ले में प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे चेंज कर दी है, बाकी ऑलमोस्ट आपको, हाँ अगर आपको नया फोन ही लेना है G54 के मुकाबले तो यहाँ पे G64 5G ले सकते हो, बाकी अगर अभी भी आपको लगता है कि G54 5G लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि पुराना है लेकिन इतना भी ज्यादा पुराना नहीं लगता, जो G64 में कुछ ज्यादा अपग्रेड देखने को नहीं मिलते। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर आप यहाँ पे पुराना वाला फोन लेके या नया वाला, मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।